अस्सलाम यूट्यूब की फैमिली, आई होप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह अच्छे। और देखो आज हमारे सुबह से बारिश हो रही है माशाल्लाह। और सो फिर हम लोग शुरू कर रही थी जी। हाँ, बाहर जाना था तो कहीं मेरे साथ में गई थी, बाद में आई तो लोग नहीं बनाया बारिश के हिसाब से, तो अभी बना रही है। और हम जा रहे दरगाह के लिए, बन सकते दरगाह के। जी हाँ, आज इसके पापा साथ आ रहे थे, संडे है ना, तो कहीं का राजन का संडे होता है। हाँ। तो किसी के साथ में नहीं जाते, वो कुछ दोस्त जो फ्रेंड फ्रेंड मनाते जी। हाँ सही है। हाँ, तो मैं इसलिए तो आज इस संडे यहाँ पे आ गई जी। तो इस हाँ। संडे सोफी इस संडे यहाँ पे आ गए, मैंने कल यहाँ पे आ जाओ। हाँ। मैं तेरे साथ मनाऊंगी संडे जी। हाँ, तो मेरी मम्मी देखो रेडी हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं दरगाह पे, तो वहाँ पे डैम भी है, तो इंशाल्लाह जाने देंगे कि नहीं वो देखते। हाँ, अभी बारिश के हिसाब से। हाँ हाँ, तो चलो जाते। तो यहाँ पे फूल वगैरह सब ले लिया है, तो चलो जाते। तो देखो मैंने भी ये वाला पहन लिया है आउटफिट, तो मैं भी सलाम कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं और आज सुबह से बारिश ही इतनी बहुत ज़्यादा बारिश है, इसलिए मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं बनाया। और अभी हम जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलो आप रहो हमारे साथ। देखो हम यहाँ पे आए थे गेवनसा बापू की दरगाह पे, और बारिश के हिसाब से ये पूरा अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पे, जो का ये काला काला सब दिख रहा है ना वहाँ पे। डे में पीछे हम जाने वाले थे, लेकिन हमारी भूल क्या हुई, मगरिब के बाद आए। हमें आना था सुबह सुबह 12 बजे, 12-1 बजे, सही है ना सुबह। बारिश के हिसाब से बंद कर दिया, वरना 8-9 बजे तक होता है। हाँ, होता है बारिश की वजह से, वरना हाँ कभी भी शाम को भी आते है ना। कोई बात नहीं, चलो इंशाल्लाह। तो वो वहाँ पे ना, वहाँ पे दिख नहीं रहा, वरना सोफी के पापा ने फूल अंतर सब वहाँ पे इतर सब रख दिए, और सुबह कोई भी आएगा ना तो इंशाल्लाह चढ़ा देगा, सही है ना। चलो तो कुछ था नहीं, दरगाह पे सलाम करनी थी और नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे आ गए और बारिश भी आ रही है, आप देख सकते हो है ना। अच्छी खासी बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। नहीं नहीं भीग भी सकते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी हो गई है ना, इस तरह से देखा तो रही है ना। हम कहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बैठने जाएंगे झूले पे। जगह होगी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, दिखाती हूँ आप सबको। देखो ट्रैफिक देख लो एक बार, बहुत ज्यादा है, और गाड़ियाँ भी देख सकते हो आप। ये त्योहार है ना, नहीं है ओ। चलो बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश आ रही है, गीले हो चुके हैं। अम्मी बोल रही थी ना नहीं होंगे, नहीं हो गए, अम्मी बोल रही थी। देखो पूरी हमारी पैंट वैंट सब गीले हो गए। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो कुछ नाश्ता भी हम मंगवाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट आएगा। अभी तो बस हम एंजॉय कर रहे हैं। बता देना कितनी भीड़ है, 12 बजे तो मैंने दिखाई पहले। तो देख सकते हो आप, हम पापा ने क्या बनाया, मम्मी का स्लो मोशन वीडियो बनाया। अभी हम फोटो शूट कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे आ नहीं रहा, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। हाँ देखो, और बारिश देखो, आप देख सकते हो, मजा तो आ रहा है। हाँ, हमें किसी चीज की वो नहीं है, मना नहीं करते, खुद को शौक ही नहीं है, खुद को नहीं इतना अच्छा लगता, लेकिन मेरे लिए सब छूट, तू जो भी कर। जी तो अभी क्या करेंगे, अंदर तो नहीं जाएंगे, पार पे जाएंगे लाखोटा लेक। हम गुजराती में बोलते हैं तड़ाव के पार, और वहाँ पे चटपटी पानी पुनी खापो
नहीं पानी पूरी इस बारिश में नहीं खाएंगे। हाँ वो खा लेंगे। तो देखो अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी भी बारिश बहुत ज्यादा स्टार्ट है और हम आए हैं त्रिशाली पाव भाजी। और बाहर तो ज्यादा तो बाहर ही मजा आता है, बट अभी अंदर ही जाना पड़ेगा है ना बारिश के हिसाब से। चलो तो अंदर। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं और नीचे आप भाजी देख सकते हो, भाजी दिख रही है आप सबको। किस किस को मन हो रहा है, और हम ऊपर आ गए नीचे नहीं बैठे। तो अभी हम राह देख रहे हैं पाव भाजी की। और वाक्सेन के हिसाब से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि हमारी आवाज आई ना इसके हिसाब से। और हम वैसे भी हम भीगे हुए हैं बारिश की, सही है। जी फिन की भी आ रही है आवाज, इसकी भी आ रही है। ये तो मन नहीं कर रहा सबके, क्योंकि वहाँ पे खाने आ चुके हैं, तो ये मन नहीं कर रहा सकते। और यहाँ की पाव भाजी बहुत अच्छी है। जी हाँ, तो फिर चटा के ले लेके खाती है। और हम जब भी बाहर निकलते हैं ज्यादा तो सोफी का ही चलते हैं। सोफी बोलती है मैं पेन छाप लेगा। जी हाँ, तो इतनी जीत नहीं होती। हाँ, मेरी पहले से ही मैं जीती हूँ। जी हाँ, और कहीं कहीं मैं कभी जीत नहीं, और जहाँ मेरी जीत नहीं चलती वहाँ मैं रोने लगती हूँ। वहाँ पे रो के वो सब काम करवा लेती हूँ। लड़ती भी हूँ मम्मी के साथ। मेरे साथ पूरे दिन में बोलता है जो अपना होता है ना उसके साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जो अपना नहीं होता ना हो जाए भाड़ में, हमें क्या फर्क है। उस तरह मेरी पूरी दुनिया तो ही है, सही है ना। इस तरह से इंस्टा मेरे ही साथ है, तो कैसे है ना, मेरी झगड़ती भी है तो हाँ, तो तू ही मेरी दुनिया है, तो दुनिया के साथ भी मैं झगड़ती हूँ। उस तरह से हाँ 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 इस तरह से ये पूरी दुनिया ही है। जी हाँ, मेरी अम्मी है बट कभी कभी झगड़ने में मेरी मम्मी समझती नहीं है, है ना, और मुझे ज्यादा डांट देती है। तो आप सब जरूर बताना कि घर में सब माँ बेटी इस तरह से ही है जिस तरह से हम दोनों हैं, है ना। तो जरूर बताना आप सब। एक मिनट, पहले मैं पाव भाजी दिखा देती हूँ। हमारी पाव भाजी आ चुकी है। घर पे हमने तो मेरे पापा इसलिए नहीं खा रहे थे कि मम्मी ने दोपहर में किया था खीमा का सालन और रोटी, खीमा चावल हाँ, तो मैं चावल खाती हूँ तो वो सब पड़ा है। तो पापा ने बोला कि मुझे घर में जाके खीमा खाना है ना। पापा से दोपहर को थे नहीं, अभी हम सोच रहे हैं मन हो जाए तो हम दूसरा एक्स्ट्रा मंगवा। तेरे पापा नहीं खाएंगे, देख तेरे पापा खा ही नहीं रहे। तो पहले उसने ऐसे बोला है ना, इसलिए तो ट्राई कर रहे। और मुझे पाव भाजी ज्यादा पसंद है। और दूसरा मैं ये बोल रही थी कि सब मुझे बताना कि हम दोनों माँ बेटी है, हम दोनों जी इसमें दिखती है ना वैसी तो है ही हम, बट हम ज्यादा लड़ती बहुत ज्यादा है कि हम दोनों का बोलते हैं ना दिमाग एक जैसा है। और मेरा दिमाग मेरी अम्मी पे ही गया हुआ है। कभी कभी कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो बोलता है कि ये तो तू अपनी माँ जैसी है। और फिर मेरी अम्मी को भी बोलता है कि ये तो तू सोफी जैसी, इसलिए हम दोनों एक जैसे है। तो हम लड़ते झगड़ते भी है और फिर हो जाते हैं नॉर्मल। तो इस तरह से होता है ना, तो जरूर बताना कि हर माँ बेटी इस तरह है। तो चलो अभी बिस्मिल्लाह बोल के खाते हैं। हम झगड़ते नहीं है, उसको झगड़ना नहीं बोलते, नोकझोंक बोलते हैं। हाँ नॉर्मल नोकझोंक, हाँ बातें ऐसी हो जाती है। सही, हमारे आवाज भी ऊंचे हैं और मेरा तो पहले से इससे भारी आवाज है कि मैं बोलती हूँ तो किसी को लगता है कि मैं झगड़ा कर रही हूँ। उसका मेरी फीलिंग्स, उसको मेरा एहसास नहीं होता तब मैं उस पर गुस्सा होती हूँ कि तू मुझे क्यों नहीं समझती है। तो बस इस तरह से कभी कभी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, मुझे ज्यादा है। अच्छा, तुझे दिखता नहीं है क्या? दिखता तो है, बट अभी मैं थोड़ी दूर हो गई ना इसलिए। इसके हिसाब से खाने चटा के लेके खाने डिफरेंट हो गया ना, पता है 2 किलोमीटर। अच्छा, मैं इस तरह रहती हूँ। अब तुझे क्या
पाव भाजी खानी है या घर पे खाएगा? घर पे खाएंगे। तू थोड़ी खा मेरे साथ, मैं पूरी खत्म नहीं कर सकती। चलो देखो, अभी हमने माशाल्लाह खा लिया है, सब ने खा लिया है ना, मैंने भी खाया। मम्मी तो डर डर के खाती है कि वो उसको रात को नहीं चलता है ना मम्मा। इसके पूरी रात बोलती है, फिर दर्द करता है हाथ में, होता है हाथ में, सीने में, जी हाँ। तो मम्मी ने तो थोड़ा सा ही खाया। हाँ, इसके पापा ने ना, उसने ज्यादा खाया। जी हाँ, खा लिया, जी हाँ, मैंने भी खा लिया। तो चलो, अभी भी बारिश देखो आप स्टार्टिंग है है ना। तो उसने पापा ने खा लिया, तो बोल तो कौन नहीं और चले गए। हाँ, और सब कमेंट में बोल भी रहे हैं तुझे कि दिल की अच्छी है आपकी अम्मी, और इस तरह से सब कमेंट कर रहे हैं। हाँ, जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं इस तरह से। चाहिए खुद कमा लेंगे। आधी तो कमा ली है, आधी अभी भी कमानी है गरीब नवाज के करम से। हाँ, उसके सत्ती भी चाहिए। हाँ, जितना है वो अता है, ख्वाजा जी की करम है, तो अभी भी आधा बाकी है, तो वो ही अता करेंगे। जी, 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 तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी, और उसमें सब में मेरे गरीब नवाज का ही करम है, बाकी मेरी कोई साथ। जी हाँ, और सब ऐसे ही होते, पहले से ही नहीं अमीर होते वो, कोई कोई होता है। पहले तो सब ने स्ट्रगल ही किया, हम भी सब स्ट्रगल देखी, देखा ऐसे इंसानों को देखा, इस तरह से हमने भी हमारी लाइफ निकाली है। और वहाँ से वो बोलते ना, संघर्ष कर करके आज मैं इस कर करके यहाँ तक पहुँचे, तो वो सब गरीब नवाज का। जी हाँ, स्ट्रगल करके ही सब आगे बढ़ते है ना। तो चलो, अभी खाना खा लिया तो हम जाएंगे, अब घर पे ही जाएंगे ना, कहीं और नहीं जाना। अरे यार, तुमने हाँ, कहीं पे भी बारिश के हिसाब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और कहीं पे बैठने की मजा नहीं आ रही थी। आज तो सब त्योहार है ना, तो सब वो भी बिगड़ा। मानसी में खाना था, मानसी का खाना अच्छा लगता है, मानसी में खाना था, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ थी, कम नहीं आ गया। जी हाँ, और सब त्योहार के हिसाब से सब बिगड़ भी गया है ना, कितनी बारिश आ रही थी। हाँ, इतने दिन से धूप थी और आज ही बारिश आई। हाँ, तो वो भी चीज चल रहा है, और जो सब मेले में सब राइड्स वगैरह है, मेहनत करने वाले वो भी सब, उसका भी खराब हो गया है ना, जो कमाने वाले उसका उसके बहुत नुकसान। जी हाँ, तो अल्लाह रहम करे सब पे, और सबके जो त्योहार चल रहे हैं उसमें उसको खुशी दे है ना। चलो, तो अभी हम जाते हैं घर पे।
देखो वैसे तो हम कब से आ चुके हैं, कितने घंटे हो गए मम्मा? चार घंटे हो गए। और मैं हाँ और हम नहीं नहीं सच में तीन नौ बजे आए थे, 10, 11 और 12। हाँ तो अभी 12:30 बज रहे हैं अभी, तो बस मैं जा रही हूँ घर पे। मम्मी सो रही है, टीवी देख रही है, और कहीं भाई अल्लाह हाफिज। तो चलो बाहर राजी ना चुका है तो मैं जा रही हूँ। इसको बस यही जगह ही चाहिए। मैं जा रही हूँ और ये मेरी जगह पे सो गया। संडे कैसा गया? यहाँ पे तो इसके हालत देखो बारिश में, इसका संडे आज ये कहीं पे नहीं गया है। वैसे तो आप सब बताना कि हर रोज हर संडे मेरा जाता है नॉर्मल, तेरे बाल देखो नॉर्मल जाता है, और ये बाहर घूमने चला जाता है। तो आज मैं बाहर गई थी और ये यहाँ पे था। तो चलो अभी जाते रूम में। तो देखो मेरा ये नाइट ड्रेस न्यू वाला आ चुका है। मैं अभी घर पे आई ना तब मुझे पता चला कि मेरा पार्सल आ चुका है। और ये मैंने लाइट ऑन कर दो राजीन, ये मैंने मंगवाया है मीशो में से सस्ता और अच्छा मीशो हमारा, उसमें से मंगवाया। और कितने का आया है राजी? क्या झूठ मत बोल, ये लड़का झूठ बहुत बोलता है। मैंने कपड़े वपड़े में बोल रही थी चेंज कर लूं, तो ये पार्सल आ गया था। तो फिर इसने बोला कि तू एक बार ट्राई भी कर ले कि कैसा आया है। तो मैंने ट्राई किया और 500 रुपये का आया है, तो बहुत अच्छा है। और ये क्या नाइलॉन है, नाइलॉन है, मुझे लगा था कॉटन है बट नहीं नाइलॉन आया है, तो अच्छा है। इसमें पॉकेट भी है, दोनों साइड पॉकेट है और अच्छा है। कैसा लगा तुझे? जी हाँ एक नंबर। और आप सबको भी कैसा लगा ज़रूर बताना, कहीं पे अच्छी जगह पे जाना होगा तब मैं पहनूंगी। तो कपड़े अपने थोड़ा बचाती बहुत हूँ, पता नहीं क्यों मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कपड़े हैं, और सबसे अच्छे भी है, सबसे हटके भी है, सबसे राजिन का बोल रहे इसलिए बोल रहे हो, नहीं सही में है ना, वो तो है ही मेरा कलेक्शन सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मम्मी चॉइस करती है ना इसलिए, और आधा अधूरा राजिन करता है, और मेरा तो इतनी चॉइस अच्छी नहीं है। ओके फिर भी मैं बचा बचा के पहनती हूँ। देखो हमारे बाल दोनों के है ना ये बारिश के हिसाब से गीले गीले भीगे क्या बोलते हैं हो चुके हैं, तो ये बोलते हैं ना बारिश के पानी से थोड़ी बू आती है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है और दोनों के बाल ऐसे हो चुके चिपक गए पूरे, और कल नहाना ही होगा। अभी तो हम सोच आते हैं, अभी कितने बजे, एक बजने को आया। तो बस अभी ये वाला व्लॉग मैं यही पे एंड कर देती हूँ कि बस ये वाला व्लॉग यही तक था। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।